का खोया है। विश्वरचना ने छीना है मेरे बेटे को मुझसे। नहीं छीना है मैंने आपका बेटा, मैं नहीं छीना, नहीं छीना, नहीं छीना है। मेरी कोख तो सूनी कर ही चुकी है ये लड़की, अब मेरी मांग भी सूनी करने पर तुली हुई है। मेरे यहाँ रहने से इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। कैसे संभालू मैं ये सब? एक तरफ रुचिता का दर्द है जो कितनी कोशिश करती है उसे संभालने की, लेकिन निहार के बगैर उसे बड़ी मुश्किल हो रही है, और दूसरी तरफ पूनम जो उसे चैन से जीने ही नहीं देती, वो इस हादसे के लिए सिर्फ और सिर्फ रुचिता को जिम्मेदार मानती। उन्हें भी अपने बेटे के जाने के गम के आगे और कुछ नजर ही नहीं आता। एक तरफ पत्नी का दर्द है और दूसरी तरफ मां की ममता। इसका बस एक ही हल है, निहार का वापस आना। कैसे लाऊं मैं निहार को वापस, कैसे? प्रतीक के पापा पता नहीं कहाँ चले गए। माँ जी, आपने प्रतीक के पापा को कहीं देखा है क्या? वो दिखाई नहीं दे रहे। कहीं नाराज होकर घर छोड़कर तो नहीं चले गए? प्रतीक जरा जाकर देखना तेरे पापा कहाँ चले गए। हाँ हाँ, एक मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम नानी के घर जा रहे हैं। अरे जाओ भाई, जल्दी जाओ, तुम्हारी वजह से प्रतीक के पापा घर छोड़कर चले गए हैं। क्या कहाँ गए माँ पापा जी? अब फिर इसी बहाने से मत रुक जाना घर में। वो कहीं गए हैं, आ जाएंगे, लेकिन तुम निकलो इस घर से। जाओ भाई जाओ। दादी जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस घर की खुशियां वापस लेकर आऊंगी, लेकिन मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाई दादी। पर मैं यहां से जाने के बाद प्रार्थना करूंगी कि इस घर की खुशियां जरूर वापस आए। और आप सब हमेशा खुश रहे। आज मैं आपकी बेटी रुचिता का हाथ अपने बेटे निहार के लिए मांगने आया हूं। आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। I love you, रुचिता। I love you. I love you too, निहार जी। I love you too. रुचिता ने छीना है मेरे बेटे को मुझसे। एक भी पल अपने इस घर में मेरा पास चले तो अभी के अभी धक्के मारकर तुम्हें इस घर से निकाल दूं।
निहार जी आप आप सच में हैं? नहीं आप नहीं हो सकते। ये जरूर मेरा वहम है, ये मेरा वहम है। जैसे हमेशा आप मेरी सोच में आते वैसे ही आए हैं ना आप, है ना? ये तुम्हारा वहम नहीं है, निहार सच में तुम्हारे सामने खड़ा है बेटा। मॉम, निहार निहार तू ठीक है? तू जिंदा है? तुझे कुछ नहीं हो निहार? मेरा बेटा घर वापस लौट कर आया है, है ना? माजी मेरा बेटा सही सलामत है, मेरा निहार सही सलामत है माजी। मेरा चुटकू, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक ठाक है। ठीक है ना पापा? मेरे बच्चों, पिंगू देख तेरे डैडी आ गए। डैडी निहार, ये चमत्कार हुआ कैसे? हमें तो लगा था कि हमने तुम्हें खो दिया, कितने महीने हो गए, पर तू था कहाँ अब तक? और नरेश बेटा, तुझे निहार कहाँ से मिला? माँ, वही है कि आग से बचने के लिए निहार स्कूल की खिड़की से कूद गया था। वहाँ किसी भले आदमी ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और वहां वो कोमा में चला गया था। जब उसे होश आया तो उसने मुझे फोन किया और मैं जाके लेके आया। लेकिन प्रतीक के पापा, अगर निहार खिड़की से कूद गया था तो पुलिस वालों को वो शरीर के हिस्से किसके मिले? वो तो पता नहीं पूनम, लेकिन छोड़िए ना उन बातों को। हमारे लिए तो अच्छी बात यह है कि हमारा बेटा सही सलामत हमारे घर लौटा है और अब तो हमें खुशियां मनानी चाहिए, जश्न मनाइए, मिठाइयां बांटिए, घर को सजाइए। उस हादसे के बारे में अब घर में कोई बात नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रतीक के पापा, बिल्कुल सही कहा। जश्न तो क्या मैम, मैं मंदिर में खाटू श्याम जी का जगराता करूंगी, घर में पूजा पाठ करवाऊंगी और पूरे मोहल्ले को बुलाऊंगी। मेरा निहार वापस आया, मेरा निहार लौट कर आया, मेरा बच्चा लौट कर आया है घर। Thank you.
थैंक यू खानू जी, आपने इस घर की सारी खुशियां वापस लौटा दी। मेरे निहार जी को वापस लौटा दिया, मेरी जिंदगी, मेरा सुहाग, मेरा सब कुछ आपने वापस लौटा दिया। खाटू जी मुझे मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए खाटू जी, क्योंकि क्योंकि मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। निहार जी, आपके जाने के बाद मैं खुद को इस रूप में कैसे आईने में देखती थी, ये सिर्फ मैं जानती। आप तो चले गए थे निहार जी, लेकिन मैं हर पल हजार मौत मर रही थी। लेकिन अब आप वापस लौट आए तो अपने हाथों से मेरी मांग में ये सिंदूर भर दीजिए। बंद करो अपना ये नाटक। तुम्हारी वजह से मेरा निहार इतने दिनों मुझसे दूर रहा और अब ये वापस आ गया है तो फिर से बहला फुसला कर तुम उसे बहका रही हो। अरे अगर तुम्हें सिंदूर लगाने का इतना ही शौक है तो लगा लो ना थाली से लेकर के सिंदूर। मेरा बेटा तुम्हें सिंदूर नहीं लगाएगा। चलो निहार। अंधेरा क्यों है? कौन है? कौन है यहां? इतनी मुश्किल से आप वापस लौट कर आए निहार जी, अब मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, कभी खुद से अलग नहीं होने दूंगी आपको। मैं जानती हूं आप नीचे मुझे गले लगाने से शर्मा रहे, हिचकिचा रहे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है निहार जी, सिर्फ हम दोनों। प्लीज अब मुझे खुद से अलग मत कीजिए। आप नहीं जानते कि आपके आपके बिना मुझ पर क्या बीत रही थी। आपके बिना ऐसा लगता था निहार जी जैसे जिंदगी थम सी गई है। मैं बच्चों के सामने, परिवार के सामने खुद को संभालने की बहुत कोशिश करती थी निहार जी, बहुत कोशिश करती थी, खुद को मजबूत बनाए रखती थी, लेकिन आप जानते हैं जब भी मैं इस कमरे में लौट कर आती थी ना, मैं टूट जाती थी। पर
अब मैं आपको खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। चिता, मैं भी तुमसे दूर थोड़ी ना जा रहा हूं। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरा बच्चों से मिलना ज्यादा जरूरी है। कितना नाराज होंगे मुझसे, कब से इंतजार कर रहे होंगे, मैं उन्हें मिलकर आता हूँ। तुम आराम करो, मैं आता हूँ तुम्हारे पास थोड़ी देर में। निहार जी ने मुझे ठीक से गले तक नहीं लगा, पर खैर, पता नहीं कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे, क्या क्या सहे होंगे निहार जी। मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि वो किस तकलीफ से गुजरे होंगे। अभी भी उसी सदमे में होंगे निहार जी। हे भगवान, बच्चे उन्हें ज्यादा परेशान ना करें। मैं भी उनके उनके साथ चली जाती हूँ। बच्चों, ये तो स्टोर रूम है, बच्चों का कमरा। इसे कहते हैं अपना सच्चा कनेक्शन। अभी तेरे बारे में ही सोच रहा था और तेरा फोन आ गया। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बाकी मैं तुझे खबर देता रहूँगा यहाँ की। चल तू अपना ध्यान रख, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय। निहार जी, आप तो बच्चों के पास जा रहे थे ना, फिर इस तरफ क्या कर रहे हैं? हाँ, बच्चों के पास ही जा रहा था, लेकिन ये बीच में कॉल आ गया तो इसीलिए रुक गया। चलो चलते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं, आओ। लेकिन कॉल किसका आया निहार जी? सबको तो यही पता है कि आप इस दुनिया में नहीं है। हॉस्पिटल से कॉल था, मेरा एड्रेस जानना चाहते थे। चलो चलो, बच्चों से मिलते हैं, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। चलो चलिए। अच्छा, इतना सारा खाना? बेटा, जब से तू गया है किसी के भी गले से एक निवाला भी ढंग से नहीं उतरा है। आज तू वापस लौट कर आया है तो देख, तेरी पसंद का सारा खाना बनाया है मैंने अपने हाथों से। तेरे पापा तो किसी काम से बाहर गए हुए, आज इतने दिनों बाद सारा परिवार एक साथ मिलकर खाना खाएगा, और मैं तो तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आजा बेटा। अरे बैठ बेटा। ये लीजिए माँ जी। मीठा, इतना कुछ बनाया मैंने, लेकिन तेरी पसंद के चावल के खीर बनाना भूल गई। तू 10 मिनट रुकेगा, मैं झट से चावल के खीर लेकर आती हूँ। एक बार मेरे बेटे को मुझसे छीन कर तुम्हें चैन नहीं पड़ा, जो दोबारा उसे मुझसे छीनना चाहती हो तुम, मेरे बेटे को मारना चाहती हो तुम। माँ, आप शायद निहार जी के लिए खीर बनाना भूल गई थी, मैंने बना दी है, बस उसको ड्राई फ्रूट से सजाना बाकी है। हम्म।
मम्मी के साथ सोना है। आज पापा अकेले आराम करेंगे। नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। निहार जी, खीर से शुरुआत कीजिए। पूनम, ये क्या किया तुमने? क्या हुआ माँ, आपने खीर क्यों फेंक दी? एक बार मेरे बेटे को मुझसे छीन कर तुम्हें चैन नहीं पड़ा? जो दोबारा उसे मुझसे छीनना चाहती हो तुम, मेरे बेटे को मारना चाहती हो तुम? इतना कुछ हो गया, निहार जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पापा, आज हमें आपके और मम्मी के साथ सोना है। आज पापा अकेले आराम करेंगे। नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। पापा, आज हमें आपके और मम्मी के साथ सोना है। आज पापा अकेले आराम करेंगे।